खाचरोद के जूना शहर से 9 फरवरी को लापता हुई नाबालिग को पुलिस ने गुजरात से ढूंढ निकाला है। इस बीच उसने एक युवक से शादी भी कर ली। दरअसल युवती भाई से बोलचाल होने पर घर छोड़कर चली गई थी। रतलाम होते हुए वह गुजरात चली गई थी। सूरत में उसकी मुलाकात कमल नामक युवक से हुई और दोनों ने शादी कर ली। 1 मार्च 2021 को नाबालिग बालिग भी हो गई। पुलिस ने युवती का बयान दर्ज कर लिया है। न्यायालय में बयान होने के बाद युवती को पति के सुपुर्द कर दिया जाएगा। सब इंस्पेक्टर मोनिका तिवारी ने बताया कि नाबालिग भाई से विवाद के बाद रतलाम चली गई थी। यहां से वह मजदूरों के साथ सूरत चली गई। वहां मजदूरी करते हुए उसने चौकी में रहने वाले अपने परिचित युवक कमल को बुलाया और दोनों ने शादी कर ली। उसने लड़की ने लड़के को फोन करके बुलाया कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझसे मिलने आ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा ऐसा कुछ बोल करके। तो लड़का गया, इससे मिला। उसके बाद इसने 28 मई के दिन लड़की ने लड़के से शादी करी। साल पूरे हो गए थे, उसके बाद उसने 28 मई को शादी करी। इसलिए लड़के के खिलाफ कोई भी अपराध नहीं बनता है और प्रकरण में खारिज।